वेलकम डिप्लोमा वाले क्लासेस। आज हम देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया है। अगर आपने देखा फिर डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 10। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ईजी क्वेश्चन में से नहीं है, थोड़ा सा इसका लेवल अप है और इसे करते समय बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम बार पूछे गए हैं, लेकिन पूछे गए हैं, जिस नाते आपको ध्यान में रख करके इसको करना है। ठीक है, छोड़ के नहीं आना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो डाटा दिए गए हैं उसको हम नोट करते हैं। कहा गया है एक रेखा ए बी के दोनों सिरे के प्रक्षेपी 45 मिलीमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ पे ए बी की लंबाई को नहीं बताया गया है, जबकि उसके प्रोजेक्शन को बताया गया है। उसके प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेपी की लंबाई 45 मिलीमीटर के बीच है, लंबाई नहीं बताया गया है। ये बताया गया है कि ये इतनी लंबाई है और इसी के बीच में उसके प्रोजेक्शन हैं। ठीक है, आगे बताया गया है रेखा का सिरा ए। ठीक है, अगर कोई रेखा है जिसकी लंबाई गिवन नहीं है, लेकिन ए और बी जो है रेखा है, सिरे ए के बारे में बता रहा है। तल एच पी से 20 mm, एच पी से 20 mm ऊपर है। क्या है? 20 mm ऊपर है। शायद पेंसिल से ना दिखाई दे रहा हो, पेंसिल स्केच से कर लेते हैं। एच पी से क्या है? एच पी से 20 mm ऊपर है। ठीक है, तथा ऊर्ध्वाधर तल बी पी से 25 mm सामने है, ऊपर है और सामने है। इसका मतलब किसमें क्या? फर्स्ट एंगल में। फर्स्ट एंगल बी पी ऊपर जाएगा और एच पी नीचे हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया, ये फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट में यहाँ पे आएगा। ठीक, बी पी ऊपर और एच पी नीचे हो जाएगा। अब देखिए ये बात कही गई है किसके लिए? ए पॉइंट के लिए। बी पॉइंट के लिए क्या कह रहा है? बी के लिए कह रहा है सिरा बी एच पी से 40 mm नीचे है। ठीक है, और बी पी के 35 mm क्या है? पीछे है, यानी किस में जाएगा? थर्ड में जाएगा। तो एच पी ऊपर और बी पी नीचे हो जाएगा। रेखा के प्रक्षेप वास्तविक लंबाई तथा दोनों संदर्भ तलों से झुकाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, और एक चीज और बता रखा है कि प्रक्षेप किसके बीच में है? 45 मिलीमीटर के डिस्टेंस के बीच में है। उसको ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए ये तो जान ही रहे, इसको क्रॉस कर लेना है। ठीक है, जो एच पी में है 25 खींचेंगे और बी पी में 20 खींचेंगे। ये आप पहले से समझते आ रहे हैं, इसे ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींचना है, जीरो चेक कर लेना है कि जीरो पर सेट है या फिर नहीं। उसके बाद से क्या करना है, इस पर यहाँ पे एक्स वाई लाइन खींचेंगे, जो किसी भी डायमेंशन की आप खींच सकते हैं, कितने भी लंबाई का। ये हो गया एक्स वाई लाइन। यहाँ पे हम पॉइंट डिसाइड करेंगे कि यहाँ से हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, ए पॉइंट के बारे में कह रहा है क्या कि ये किस एंगल में होगा? ये होगा किस एंगल में जा रहा था? ये जा रहा हमारा पहला वाला, ये हो जाएगा बी पी बाई एच पी। ठीक है, तो एच पी में कितना खिंचाएगा? एच पी में खिंचाएगा 25 mm और बी पी में 20 mm। ठीक है, तो 20 मिलीमीटर ऊपर खींचेंगे, ये हो गया 20। ठीक, और इधर नीचे क्या कहते, कितना खींचेंगे? 25 खींचेंगे। ठीक है, ये हो गया सिरा ए के लिए। थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, आगे आगे आप सही खींचेगा। ठीक है, 25, और फिर इसका प्रोजेक्शन कितने दूरी के बीच में बन रहा है? 45 mm के बीच में। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 45 तक पॉइंट लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एच पी यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। देखिए एच पी ऊपर जाएगा और बी पी नीचे जाएगा, थर्ड बन रहा है। तो एच पी में कितना बनेगा? 35, और बी पी में कितना बनेगा? 40। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे,
35 ऊपर हो जाएगा, 35 ऊपर खींच लेंगे, जस्ट उल्टा काम करना है, ऊपर खींच लेंगे और 40 नीचे खींच लेंगे, ठीक है 40 नीचे खींच लेंगे। देखिए एकदम ऐसे किया गया है, एच पी में कितना खींचा गया है 35 खींचा गया है और बी पी में कितना खींचा गया है 40 खींचा गया है। अब इस पॉइंट से इधर की तरफ और इधर की तरफ लोकस लाइन और इस पॉइंट से इधर की तरफ इधर की तरफ लोकस लाइन को खींच लिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इधर, ठीक है, और फिर यहाँ से इधर और इस पॉइंट से इधर और इधर लोकस लाइन को खींच लेंगे, इधर और इधर लोकस लाइन को खींच लिया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अब हमें इस एक एक स्टेप ध्यान से लेना है, ठीक है। देखिए अब एक पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट कौन सा होगा, बी पी इधर है तो ये जगह ए डैश, तो बी पॉइंट कहाँ पे आएगा, बी पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, डिस्टेंस नहीं दे रखा है लेकिन एक बार बता रखा है कि इसका प्रोजेक्शन इस 45 एमएम के बीच में आएगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 45 एमएम है, ठीक है। इसको दिखा देते हैं अभी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 45 एमएम है, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। लाइन उसका यहाँ कहीं आएगा और प्रोजेक्शन तो इसके और इसके बीच में ही आना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन जो आना है उस प्रोजेक्शन को खींच लेंगे, ठीक है, और दूसरा प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ के बीच में आएगा। तो प्रोजेक्शन क्या आएगा ये हमें मालूम चल चुका है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से पहले ही खींच लेंगे और इसे हम लोग पहले ही खींच लेंगे, ये हो गया। अब क्या करना है, अब करना ये है कि जस्ट उल्टा जैसे पहले करते थे, पहले क्या करते थे, इस अगर ये लाइन ये टीएल लाइन होता तो इसको यहाँ तक ले जाते, उसको राउंड ऑफ करते, जहाँ कटता उसको काटते, ये पहले हो चुका है तो इसको सीधे यहाँ तक लाएंगे, फिर सीधा कर देंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसको कर्व इसका कहाँ लाएंगे, यहाँ तक लाएंगे, अब इसको सीधा नीचे तक करेंगे और फिर यहाँ तक मिला देंगे तो टीएल लाइन हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, क्या करना है, कंपास लेना है, इसको यहाँ रखना है और यहाँ डायमेंशन को कंपास में लेना है, इस तरीके से डायमेंशन कंपास में लेना है और इसको आराम से यहाँ तक लाके रोक देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का प्रोसेस बहुत ईजी है, इसको वर्टिकल नीचे तक ले आना है, जहाँ इसको कट करेगा, ठीक है, जहाँ इसको कट करेगा उस पॉइंट को यहाँ से ए डैश से मिला देना है, ये निकल जाएगा टीयर, ठीक है, क्या निकलेगा टीयर, क्योंकि अगर टीयर होता तो हम लास्ट वाला लाइन तक ले आते, उल्टा हो रहा था लास्ट वाला लाइन यही है, अगर ये ऊपर एंगल बनता तो यहाँ तक ले आते, नीचे एंगल बना हो तब पर हम यहीं तक ले आएंगे, ठीक है, यहाँ तक आ गया और फिर हम कर्व लेते हैं तो हमारे ये प्रोजेक्शन निकलता, उसी का हम उल्टा किए, पहले प्रोजेक्शन था तो उसको कर्व लिया गया इस तरीके से, फिर सीधा लाइन उसको खींच दिया गया, तो ये क्या निकल के आ गया है, ये निकल के आ गया है टीयर, ठीक है। अब सेम इसका भी करेंगे, उसी का उल्टा, इसका कर्व ले चलेंगे कहाँ तक, इसका कर्व ले चलेंगे यहाँ तक, उसके बाद उसको सीधा करेंगे, फिर इसको उसको आपस में मिला दिया जाएगा, करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कर्व लेंगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे, आगे नहीं जाना है वहीं तक, ठीक है, इसको डालते हैं हल्का सा, ठीक। अब क्या करना है, अब उसी वर्टिकली जो है नीचे ले आना है, जहाँ कट करेगा उसको मिला लेना है, जहाँ कट करेगा उसको इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक मिला देना है, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो अब ये क्या कौन सा लाइन है, ये हमारा टीयर है, इसको मेजर करके लिखना भी है, ठीक है, इसको मान नाप लेते हैं कितना है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ रही है
वो आ रही है 97, तो हम लोग लिखेंगे 97। इसको भी मेजर कर लेते, दोनों सेम ही आना चाहिए, ये भी एकदम 97 है, तो ये भी हो जाएगा 97। ठीक है, अब एंगल मेजर कर लेते हैं, एंगल कितना है, तो इसका एंगल आ रहा है, तुम ध्यान से नापिएगा सही से, इसका एंगल आ रहा है 39 डिग्री। 40 डिग्री दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है, तीसरा तैयार है 39। तो आपका जितना आएगा आप उतना लिखिएगा, किताब में आंसर क्या बना है उससे से कंपेयर आप नहीं करा पाएंगे एग्जाम में, तो यहाँ भी आप कंपेयर मत कराइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो आता है आप ईमानदारी से उसको लिख करके आएंगे, एकदम सेम एंगल यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ 5 लिख लेंगे 39 डिग्री, ठीक है। किताब में 40 आया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप जैसा बनाएंगे, अगर एक का मिस्टेक है तो वो मिस्टेक यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो एकदम एक्यूरेट बनाए आप तो आपका एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे एरो बना लेंगे, यहाँ पे एरो बना लेंगे, यहाँ पे एरो बना लेंगे और यहाँ पे एरो बना लेंगे, ये कितना था 20 mm और ये 25 mm, ठीक है। और ये टाइम डिस्टेंस भी जो कि यहाँ से यहाँ तक है, इसको भी हम लोग यहीं पर दिखा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरो बना करके और फिर यहाँ एरो बना करके, यहाँ एरो बना करके और फिर यहाँ एरो बना करके, ये कितना है 35 mm और ये है 40 mm, ठीक है। अब नाम रख लेते हैं, ये है ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी डैश क्योंकि बीपी में है, ये बी और ये यहाँ पर जाएगा बी, ये यहाँ कटा हुआ है, ये एक सेकंड, ए डैश बी, एक बी और ये जगह बी डैश वन कहाँ गया, यहाँ ये इसका डैश एच पी नाम में थोड़ा मिस्टेक किया है, बी बी वन और बी वन और ये हो जाएगा बी वन बी टू, ठीक है। और ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी वन और ये हो जाएगा बी टू। अब ये जा करके पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, जो एच पी में है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लान और ये हो जाएगा एलिवेशन, ये इस वाले को हम बोलेंगे एलिवेशन, ठीक है एलिवेशन। ये क्वेश्चन नंबर 10 पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है, इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार आप सॉल्व करिएगा तो आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे पूरी तरीके से। वीडियो अगर समझ में ना आया हो तो 1 से 2 बार फिर से देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हम करा रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से देखें, वीडियो को लाइक करें और कोई बात हो, कोई कमेंट हो तो उसे ज़रूर करें आप बताने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, चाहे वो आपके कॉलेज में पढ़ते हों चाहे दूसरे कॉलेज में पढ़ते हों, तो हम उनके साथ ये शेयर जरूर करें, कॉलेज ग्रुप में शेयर करें ताकि सही बच्चों की हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो सॉल्व करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है उतना हम सॉल्व करा देंगे ताकि उसे आप देख करके ज़्यादा क्वेश्चन सीख सकें और एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। ओके, थैंक यू।